100 रुपया ना कहिए बारिश आज रात के, नहीं तो 100 रुपया आप दे आ हो जी तो हम दे 1,000 कहें के दे 100 रुपया आप दे तो हम 100 रुपया दे। हेलो कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे। आपके यहाँ बारिश की क्या हाल है। हमारे यहाँ बारिश का इतना कम मतलब बारिश का सूखा पड़ गया और हाराबाजी लगा रहे हैं मतलब शर्त लगा रहे हैं कि हमने कहा हारेबाजी बोले नीचे भोजपुरी में कि बारिश हो गई तो ये 100 रुपया देंगे और नहीं हुई तो मैं 1,000 क्यों दूंगी। काहे हमारे पास ढेर पैसा लौका तक आपके। तो मैं इनसे गई पौधे वौधे थोड़ा सा हमने हटाया और पूछने की क्या बनेगा बना देता जो मन कर तो मेरा मामा मन तो कुछ नहीं क्यों कर तो मतलब कुछ हुए ना बना दा। तो चलिए देखते हैं आज क्या बनाते हैं क्या करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा देख लीजिएगा एहसान कर दीजिएगा। और आज मैं कुछ स्पेशल चीज़ भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक स्पेशल सी रेसिपी और एकदम अलग सी डिफरेंट डिफरेंट भिन्न 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 प्रकार के खाने भिन्न भिन्न प्रकार के बातें और भिन्न भिन्न प्रकार के व्यू नज़ारे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लीजिए ड्यूटी लाग गई किचन में। बहुत गर्मी है मतलब गर्मी ही कह रही है कि बस मैं ही रहूँगी और मतलब आज बारिश ना हो मैं क्यों 200 रुपये मतलब लेंगे नहीं। वो तो मजाक कर रहे थे और लेंगे भी तो मैं कौन सा देने वाली हूँ उनसे भले ही मैं ले लूँगी। तो ये मैंने रख दिए टमाटर और बैंगन भुनने को और ये मैं चढ़ा दूँगी दाल यहाँ पर देखिए ताकि टमाटर भी भून जाए और साथ में दाल चावल चोखा दोपहर में क्योंकि ये थोड़ा सा नाश्ते के बाद का जो टाइम है तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। मैं दाल छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। सारी तैयारियाँ मैंने कर ली है और उसके साथ साथ में मैं सोच रही हूँ कि चावल भी मैं चढ़ा दूँ ताकि वो भी हो जाए। लेकिन मेरे को भी चावल जो है वो बीन के रखना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अभी चावल में जैसे होता है कभी कीड़े उड़े लग जाते हैं। तो मुझे एक बार आप ही सब ने बताया था कि लहसुन डाल दीजिए उससे नहीं लगते हैं और ये सच में बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है। तो अगर आपके भी चावल में कीड़े लगते हैं तो आप उसमें लहसुन की कलियाँ जो है वो डाल सकते हैं। हमने डाल दिया जीरा हरी मिर्ची लहसुन और प्याज। प्याज हमारे भुन चुके हैं अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर और हल्का सा हम डालेंगे इसमें मसाला। और देखिए हमने दाल में थोड़ा सा मसाला डाल दिया है अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और देखिए हमारी गाढ़ी सी छिलके वाली अरहर की दाल जो है एकदम परफेक्ट बन के रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और ये होता है दाल बनाने का असली तरीका। दाल बहुत टेस्टी लग रही है देखने में आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं आई हूँ चावल बिनने के लिए। ए जी अभी बरिसिया हो जी का हाँ। ये देखिए बादल एकदम घिरे हुए हैं और दाल मैंने मतलब तड़का लगा दिया दाल में। तो मैंने सोचा आराम में आने वाली है तब तक मैं चावल बीन के और चावल भी चढ़ा देती हूँ। और मेरे को ना बनाने हैं मखाने के लड्डू लेकिन उनको तो पीसना पड़ेगा और लाइट देवता आ नहीं रहे हैं। आ जाती लाइन तो तभी तो मिक्सर चलेगा तभी तो हम पीस पाएंगे। बाकी सारी तैयारियाँ मैंने कर ली हुई है क्योंकि मखाने के लड्डू मैं इसलिए बनाऊँगी और हमें को लड्डू पसंद है बहुत ज़्यादा मतलब किसी न किसी चीज़ के चाहिए होते हैं और उसमें आयरन मिनरल फाइबर बहुत सारे चीज़ होते हैं मखाने के अंदर। तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स आप बच्चों को दो ना तो वो खाते नहीं आधा इधर खाएंगे और खटखट 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 खा जाएंगे ऐसे ही या फिर इधर छीटेंगे उधर छीटेंगे। और लड्डू उड्डू बना दीजिए ना थोड़ा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ड्राई फ्रूट तो बच्चे खा भी लेंगे मैं भी खा लूँगी ये भी खा लेंगे सारे लोगों को ही पसंद है और साथ में ना नुकसान नहीं होता। तो चलिए मैं चावल बीन लेती हूँ। अगर बारिश अभी आ गई तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगी
क्योंकि इन्होंने बोला है बारिश रात में आएगी। सर तो हार जेब अगर अब एक बूंदी टपक गई तो देखिए वो वहाँ पे है, जो आधा मैंने इधर का मैंने साफ किया और आधा वो उधर का वो साफ कर रहे हैं, तो काम बट गए हैं। सर थारते हुए और यहाँ पे बारिश देखिए, टिप 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 बारिश होती हुई। भीज जेब अंदर जाई, देखिए बारिश देखिए, हाँ अभी समझ में आ रहा होगा, पटिया के ऊपर देखिए दही सोगो, ए ए जी दही सोगो, कैसन अब कहने की बारिश रात की हुई तो हम दे तो दिने में हो गए तो हारिए ना गई नी, कहाँ न हार गई नी, कैमरे में आके नहीं बोलेंगे। हाँ ऐसे कह दीजिए जैसे कैमरा बंद हो जाएगा, घास साफ कर रहे हैं, जाए भी जाए तो बोलना शुरू हो जाएंगे, बोलते हैं कि ये तुम्हारा विभाग है तुम देखो, मेरा विभाग है वो मैं देख लूँगा, तो इसीलिए नहीं बोलते। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते रहते हैं कि वो चावल फैलाए गए हैं, क्योंकि वो चावल जैसे थोड़े थोड़े चावल चावल ज़्यादा है ना तो फैला दिए जाते हैं ताकि उनमें कभी कीड़े और झुर्रियाँ ऐसे तरह के चावल ख़राब ना हो, तो दो तीन दिन फैला फैला के रखा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, देखिए मैं बैठ गई आके फिर से, कि इनके हस्बैंड तो बोलते नहीं, इनके हस्बैंड को पसंद नहीं वीडियो बनाना, इनके हस्बैंड तो बेचारे हैं। अब कहाँ से वो बेचारे लगते हैं, जो नहीं बोलते वो बेचारे होते हैं ऐसा, और वो ऐसा तो है ही नहीं कि वो बोलते नहीं, बस वो फ़ोन देख के नहीं बोलते, बाकी उनकी बातें तो ऐसी ऐसी होती है, जब बोलते हैं तो तगड़ा ही बोलते हैं। तो उनको पसंद नहीं तो वाइफ कितने दिन छुप छुप के काम करेगी भाई, दो दिन चार दिन दस दिन, हाँ जैसे उनको ये है कि तुम करो अपना करो, लेकिन ये नहीं कि वो नहीं आके बोलेंगे और कैमरे के सामने, बस काफ़ी है उनका, उनका मुस्कुरा देना ही मेरे लिए बहुत है वीडियो में, मैं ऐसा मानती हूँ। तो बातें ज़्यादा हो जाएंगी और मैं लाइट का इंतज़ार करती रहूँगी, तब तक मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ एक वीडियो की। मैंने खाना वगैरह खा लिया है, मैंने तो सोचा था कि मैं अरम्या को सरप्राइज़ दूँगी लड्डू बना के, लेकिन अरम्या आ चुकी हैं और बारिश एकदम छमाछम हो रही है, मेरे से 1000 रुपये मांगने के एकदम पीछे पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि अगर कैश नहीं किया तो गूगल पे कर दो लेकिन पैसा दो। और देखिए बारिश मैं आपको दिखाऊँ, वैसे मेरा फ़ोन भीग जाएगा लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रही हूँ क्योंकि ये बारिश ये देखिए आपको छनन छनन आवाज़ आ रही होगी, और मेरे को इंस्टाग्राम की एक अर्जेंट रील शूट करनी है तो देखती हूँ कैसे होता है, बारिश में ही कर लेंगे जैसे भी होगा, अगर वीडियो अच्छी आएगी तो मैं भीग के ही कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, काफ़ी टाइम से उनका मेरे को वीडियो शूट करके देना है, तो देखती हूँ। लेकिन मैं कढ़ाई चढ़ा के आई हूँ गैस पे, तो पता चलेगा जल जाएगा, तो चलिए चलते हैं वहाँ खाने के लड्डू बनाते हैं, बारिश में लड्डू तो पकौड़े बना दें, शाम तक देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देवे को फिर एमरनिया की तरह के बुचिया आई तो कि समोसा खिला दे, मैं बोला हाँ अच्छी चीज़ें खिलाइए। तो ये मखाने जो है अगर मैं ऐसे बताऊँ तो मतलब मेरे को तो नाप से तो ये दो कटोरी बड़ी कटोरी से भर के हैं, ऐसे ग्राम से में कितने हैं मैंने पूछा नहीं कि ये कितने लेके आए हुए हैं। तो इनको हम बिना घी के बिना तेल के ऐसे सिंपल से भूनेंगे मतलब थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और माफ़ करिएगा फ्राई तो ऑयल के साथ किया जाता है, मतलब ऐसे रोस्ट करेंगे ताकि ये इन थोड़े से ना ये कड़क हो जाएं, और ये ना अभी बरसात का मौसम है तो थोड़े से ये सॉफ्ट से हैं, तो इनको हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। ये देखिए इसको इतना ही भूनना है थोड़ा सा, और हम इसको मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बनाएंगे। खाने भून के रखे हुए हैं, लाइट ही नहीं आ रही है, बताइए ना क्या लड्डू बनाऊँ और क्या करूँ, ऊपर से इंस्टा की रील प्रमोशन करनी थी जो बहुत ज़रूरी था, बारिश है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही और पूरा बादल काले काले घिरे हुए हैं, बड़ा फंस चुकी हूँ क्योंकि वो मखाने का एक जैसे मतलब मिक्सर में 3-4 बार पीसते हैं, पीसना पड़ेगा ना, तो एक सिर्फ मैंने पीस के रख लिया है, ना इधर के ना उधर के हुए, ना छोड़ पा रही हूँ, और मैं लाइट ऐसे बैठ के बोर्ड में देख रही हूँ कब वो लाल जल जाए, का भगवान। अगर बना लूँगी आज के ब्लॉग में लड्डू तो शेयर करूँगी, नहीं तो क्या करूँगी, नहीं शेयर करूँगी।
वहाँ पे मैंने जो नारियल का बुरादा था और जो मैंने मखाने जो पीसे हैं वो चीज़ें डाल दी है। अब यहाँ पे ये रहा मिल्क पाउडर और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि स्वाद जो है ना वो एकदम परफेक्ट आए, मावा वाला स्वाद आए। अब मैंने यहाँ पे लिया है घी और देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें खूब सारा आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बट अभी मेरे पास यही है, बस थोड़े से बादाम है, ये मुश्किल से होंगे 7-8 बादाम। और इसमें हम डालेंगे किशमिश। किशमिश के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक बार ध्यान दें, जब भी आप किशमिश को ऐसे घी में डाल रहे हैं तो बहुत धीमी आंच रखें, वरना किशमिश के जलने का डर बहुत बहुत तेज़ी से ये जलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो सारे किशमिश अच्छे से फूल गए हैं, एक भी किशमिश हमारे जले नहीं है, ये देखिए। अब ये घी, किशमिश, बादाम, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। अब इन सभी को हम अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को एक साथ में मिक्स करेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी की जगह पे मिश्री भी पीस के डाल सकते हैं। इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मिल्क ऐड किया है, जो दूध होता है। दूध को मैंने गर्म कर लिया था और जब दूध ठंडा हो गया तो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। अब हमारे जो लड्डू हैं वो देखिए आराम से बन जाएंगे। इनको आप 6 से 7 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये देखिए। आ गए ला, निकाली मले प्रसाद के लिए लड्डू जाएंगे पहले। ये देखिए मैं यहाँ पे लड्डू बना के रख रही हूँ और अम्मा के पापा लेके गए हैं चढ़ाने के लिए। ये लड्डू आप लोगों के लिए भी, कैसे बने हैं ज़रूर बताइएगा। और है ना बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाने का एकदम अनोखा तरीका। यार अम्मा जाओ बेटा। शाम हो गई है लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने पूरा दिन आज मतलब कुछ तो किया खास नहीं है, लेकिन मैं लाइट पे देखती रही है, जैसे लाइट आ रही थी वैसे मैंने सारी तैयारियां करी। और अभी शाम के 5:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगी, मतलब ख़त्म करूँगी। मैं मिलूँगी आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई एनर्जी, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और ये मेरा जो ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा लड्डू बनाने का, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये 5-6 दिन हमारे चलेंगे, जब ये हमें स्कूल जाएगी और स्कूल से आएंगी तो उनको एक एक लड्डू तो मिलेगा ही मिलेगा, जो बहुत टेस्टी के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं, अब मैं जाऊँगी, दिया बत्ती का धीरे धीरे टाइम होगा तो मैं तैयारी करूँगी शाम की पूजा की, शाम के एक गर्मा गर्म सी चाय की, वीडियो की एडिटिंग की, अपलोड की, पापा को कॉल करूंगी और अपने सिस्टर लोगों को कॉल करूंगी और कोई ख़ास काम, हाँ फिर खाने की तैयारी। खाने की तैयारी के बाद खाना खा के सो जाना है। तो गुड नाइट आप सबको, क्योंकि अभी तो गुड नाइट नहीं है लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो गुड नाइट हो ही गया होगा। तो कैसा लगा ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर दिन एक अच्छी चीज़ शेयर करूँ, एक अच्छी वीडियो शेयर करूँ। और इयररिंग्स मैंने पहन लिए थे, वैसे तो उस टाइम तो मेरे को बड़े अच्छे लग रहे थे, शाम होते होते ना मेरी जो क्या बोलते हैं, मतलब अब मन जैसे वैसे होने लगा था कि नहीं बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, क्यों स्टार्ट किया। लाइट ने बड़ा रुलाया लेकिन फाइनली लाइट आ गई थी। तो चलती हूँ, डब्बे में भर के रख देती हूँ और मिलूँगी आप सबसे कल की वीडियो में। फाइनल बोल रही हूँ, जब तक ये बातें ना बोलूँ ना तब तक ना समझ नहीं आता है, मतलब समझ का मतलब कि 3-4 बार बोल ही लेती हूँ फिर जाके मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो अब मैं फाइनली बोल रही हूँ कि मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।